हाय फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगा रितेश देशमुख की। रितेश देशमुख लय भारी है, लय भारी भारी काम करते हैं। और हाल ही में उनकी फिल्म आने वाली है बैंजो। ये हिंदी फिल्म है और एक कमाल की फिल्म है जो 17 सितंबर को रिलीज होगी। और लेटेस्ट ये है कि बैंजो फिल्म का टीजर ऑलरेडी लॉन्च हो गया है। ये यूट्यूब पे आपको वैसे नहीं मिलेगा देखने को, आपको एरोस नाउ पे जाना पड़ेगा देखने के लिए। एक कमाल का टीजर है। अगर आपको थोड़ी बहुत कमी लगी होगी उनकी मराठी फिल्म लय भारी में, वो कमी वो पूरी कर देंगे बैंजो में। बैंजो में रितेश देशमुख बने हैं एक बैंजो प्लेयर, जो बैंजो प्ले करते हैं। वो आप म्यूजिक सुने, टंग उस तरह के मुझे नहीं आती है एक्चुअली, थोड़ा अजीब सा वेर्ड लगा मैंने ऐसे आवाज़ निकाली, बट मुझे सही में नहीं आती है। काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट और डिफिकल्ट होता है कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाना, अगर सीरियसली आपको बताया तो। रितेश देशमुख इस फिल्म में एक बैंजो प्लेयर की भूमिका में नजर आ रहे, जो एक लोकल जो जगह पे रहता है। ज़्यादा सपने तो बड़े हर किसी के होते हैं, बट कहीं ना कहीं लोग, हर कोई टैलेंटेड बंदा अपने सपने को पूरे नहीं कर पाता है। तो वो ही कहीं ना कहीं एक कहानी है। और सबसे अच्छी बात यह है जो टीज़र है उसकी, कि आप जो एंट्री देखोगे उस टीज़र में, बहुत बढ़िया एंट्री की है रितेश ने। आप एक एंट्री में सलमान खान की एंट्री आपको बहुत पसंद होगी, आप सीटी बजाते होंगे फिल्म में उसकी, देखते होंगे थिएटर में, या शाहरुख खान, आमिर खान। बट इस भाईजान की एंट्री जो है, ये भाई साहब की जो एंट्री जो है वो गजब की है। आपने कभी सोचा है एक गटर का ढक्कन खुलेगा और उसमें से हीरो निकलेगा? सेम वही है, ढक्कन खुलता है ठाक करके, उसमें से हीरो निकलता है। ऐसा लगता है कि यार एकदम पूरा गटर का पूरा काला काला उसके बदन पे है। सो एकदम वियर्ड है, बट बहुत अच्छा सूट होता है रितेश देशमुख पे। एक अच्छी फिल्म है एक्चुअली ये, क्योंकि ये म्यूजिकल फिल्म है। आप देखोगे तो उनका जो लुक है टीजर में, एक माशाल्लाह, आप रॉक स्टार देखे होंगे या रॉकन देखे होंगे, उसमें जो एक लुक होता है, एक रॉक स्टार का लुक होता है, वो लुक है इनका। एक अच्छी फिल्म मुझे लग रही है नरगिस फाखरी, एक यूएस बेस्ड डीजे वाली है। इसमें जो डीजे करती है वो इंडिया में आते हैं, मुंबई में, जहाँ पे उन्हें उनकी मुलाकात होती है अपने लोकल भाई रितेश से, जो बैंजो प्लेयर है। तो दोनों का फ्यूजन है, दोनों जब साथ में आते हैं, उनका डीजे और इनका बैंजो, तो जो मिक्सचर है वो दिखाया गया है भाई। कमाल फिल्म होने वाली मुझे तो लग रहा है। आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस मूवी। और एक अच्छी बात ये है कि फिल्म को डायरेक्ट करे रवि जाधव। रवि जाधव का नाम आपने हिंदी फिल्म में ज़्यादा नहीं सुना होगा, क्योंकि ये उनकी पहली डायरेक्टोरियल फिल्म है। लेकिन इन्होंने मराठी फिल्म में ऑलरेडी कारनामा अपना कर दिखाया है। इनकी सबसे पहली फिल्म ने नेशनल अवार्ड जीता था, नटरंग। उसके बाद बालक पालक फिल्म आई थी, जिसे प्रोड्यूस किया था रितेश ने खुद ही प्रोड्यूस किया था। उसके बाद फिल्म इनकी आई थी बाल गंधर्व। आप मानोगे नहीं, इस फिल्म ने 3 3 नेशनल अवार्ड जीते भाई, इतनी कमाल फिल्म है। और उसके बाद टाइम पास, इन्होंने जो टाइम पास किया ऑडियंस के, यार क्लासिक फिल्म है, पहली मराठी फिल्म है टाइम पास जिसने 30 करोड़ के ऊपर का आंकड़ा पार किया मराठी फिल्म में। वो अलग बात है, अभी वो आंकड़ा टूट चुका है, आपको पता है, सराहट ने तोड़ दिया वो आंकड़ा। सराहट अभी खुद 80 80 करोड़ के ऊपर जा रही है, जी हाँ, इसे दुगुना तिगुना कमा रही है। बट यार एक कमाल डायरेक्टर है, और ये अगर फिल्म बना रहे हैं तो आप सोच सकते हैं नरगिस फाकरी और रितेश देशमुख को कितना इससे फायदा होगा, क्योंकि वो एक्चुअली ऑलरेडी अच्छे एक्टर्स हैं। बट जब अच्छा डायरेक्टर होता है तो फिल्म और निखर के आती है। तो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस मूवी एंड आई नो यू आर ऑल्सो एक्साइटेड। तो देखते हैं जब ट्रेलर कब आता है, तब उसके बारे में बात करेंगे। बट टीजर भाई एक नंबर है, मतलब बोले तो लय भारी। बाय।